नानी कितने साल से चप्पल नहीं पहने तुम? कितना साल हो गया? 5 साल? 5 साल के बाद आज इमरान भाई उनको बोल रहे कि आप चप्पल पहनो। कोशिश करो चप्पल पहने। नानी को जब से नानी को पैरालाइज हुआ नानी चप्पल पहनना छोड़ दिए, क्योंकि उनका पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तब से वो चप्पल पहनना छोड़ दिए। तो हम लोग उनको सॉक्स वगैरह पहनाते थे कोच कबीर सिंह के साथ। कबीर खा रहे के कबीर सिंह है इमरान भाई। नानी को जो प्रॉब्लम है वो सीधे पैर में ही ज्यादा है, उल्टे पैर में इतना नानी। तो अब नानी मेरे ख्याल से 5 साल के बाद नानी ने चप्पल पहन ली है, माशाल्लाह। बहुत थक गए वो, कम से कम उनको कितना मिनट लगा इमरान भाई? 6 मिनट लगा ना? 6-7 मिनट, 6-7 मिनट लगा, लेकिन वो पहन लिए। हम लोग सोचते थे कि नानी कभी चप्पल पहन ही नहीं पाएगी। अभी नानी खड़ा होना है तुमको चप्पल पहन के, ठीक है ना? और नानी होएगा आराम से, आराम से। वेरी गुड। हाय इमरान भाई, क्या तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी होगी? नानी दौड़ेगी 1 महीने में, 1 महीने। कोच आपके बोल रहे हैं कि नानी दौड़ेगी। जो नानी उठ नहीं पाते थे, जो वॉकर के बिना चलने, और पहली बात तो ज्यादा चलते ही नहीं थे, वॉकर पे ही थोड़ा बहुत चलते थे, तो अभी उनको ऑर्थो ने भी बोला कि उनको चला वो चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलाओ। तो इमरान भाई बोले ठीक है चलो कोशिश करते हैं। क्लैप करो सब लोग। अभी तो मैं तुमको जूता पहनाऊंगा। हील्स हील्स पहनाओ बोल रहे हो? नहीं जूते पहनाऊंगा। देखो जूते में ग्रिप रहेगा ना नानी, सीधा कर देंगे इंशाल्लाह। खाली जमीन पे चलेंगे ना तुम बिना चप्पल के, तो तलवा जो दुख रहा था ना तुम्हारा, चप्पल से नहीं दुखेगा। चप्पल में कुशन होता है। बहुत दिन के बाद सख्त जमीन पे चल रहे ना तुम, समझ रहे? और इससे अगर जूता पहना देंगे ना नानी तो और नहीं दुखेगा। ये वीडियो का मोटिव एक ही है गाइस, आप लोग के घर में अगर जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा वक्त निकालो और उन लोगों को थोड़ा चलाओ, उनको थोड़ा एक्सरसाइज करवाओ, क्योंकि उन लोगों में विल पावर होता है, मोटिवेशन की खाली जरूरत होती है। हम लोग खाली बोलते थे कि नानी चल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उठा नहीं पाते पैर, लेकिन हम लोग थोड़ा पुशअप नहीं किए, जो चीज इमरान भाई किए है क्या नहीं नाना? बहुत मेहरबानी उनकी, बहुत अमेरिका वगैरह जाते हैं ना। हाँ। जाने के बाद हमको मालूम पड़ा इमरान अमेरिका जाकर है। अभी जब तुम चलते थे, ठीक है, चलते थे तो देखो वो कॉर्नर पिल्लर लगता था, कॉर्नर है ना, अब तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना, अब चप्पल पे लगेगा, पैर पे नहीं लगेगा, बराबर। लेकिन है ना चप्पल का जजमेंट लेके चलना, समझ रहे? पहले कैसा, अभी तुमको आइडिया नहीं है तुम्हारे कितनी दूरी पे चप्पल है ना, तो ठोकर लगने का तुमको थोड़ा सा रहेगा परेशानी, है ना, ध्यान देना थोड़ा चलने के लिए। 5 साल के बाद नानी ने चप्पल पहने तो उनको कैसा लग रहा रहेगा? अगर हम लोग थोड़ी सी देर चप्पल निकालते हैं तो हम लोग के पैर में चटके लगे, तो हम लोग बिना चप्पल के चल ही नहीं सकते। अभी नाना के बाद, नाना तुमको कैसा लग रहा है? नानी इतना अच्छा चल पा रहे, तुमको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खुशी की बात है, मुझे देख रहा हूँ इतने साल घर में बैठ बैठ को एकदम एक बागे से चल ही नहीं। हाँ, क्योंकि दवा मालिश सब चीज हो गई, लेकिन कोच नहीं मिले थे आपको। हम बोले चलो जाएंगे इमरान के, नानी अगर अच्छे से चल के दौड़ के गए तो ना इमरान भाई को तुम क्या देंगे? पार्ट जो मांगे वो दूंगा मैं। ओ, ओ, ओ ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। सही बात है वो, सही मारी खुशी। ए नाना तुम खुश, नानी खुश तो मैं खुश। ओहो ये हमको जानकारी भी नहीं, सही बात है। चलेगा तो परेशान होता, नहीं चलेगा तो परेशान होता, नहीं हमको घबराहट ज्यादा होता है कि कम होता है। अच्छा बराबर, हमको डर लगता है। और एक चीज ये भी डर था ना कि नानी अगर गिर गए तो उनका वजन फिर प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। एक बार गिरी, दो बार, तीन बार गिरी। अच्छा गिर के तो आदमी उठता है, और जो उठता है ना नाना उसको ही बाजीगर कहते। अच्छा, नानी बाजीगर है। अच्छा
बहुत अच्छा चल रहे नानी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे? शुक्रिया तुम्हारा। नहीं अरे नानी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। नानी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। नहीं एक्चुअली ये खुशियां हम लोग बता ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि नानी चल पाएंगे। हम लोग के हिसाब से नानी सिर्फ वॉकर तक ही ले गए थोड़ा बहुत, ऐसा हम लोग ने कभी नहीं सोचे। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और साथ ही इमरान भाई का जो अपनी मतलब अपना टाइम निकाले। डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कुछ जानकारी होने के बाद ही हमको मालूम नहीं। एक्चुअली इमरान नाना ये रिस्क का भी बात है ना, अगर खुदा ना खास्ता वो गिरे पड़े तो सब उनके गले चिट पड़ेंगे। हाँ उनके गले पड़ेंगे ना। तो बोले बात है उनके गले पड़ेंगे ना भाई, हो सकता है डॉक्टर की थोड़ा कमी हुई। भाई डॉक्टर की नॉलेज बहुत अच्छी है नाना। मैं ना मेरी जिंदगी को तुम समझेंगे ना तो तुमको इसका जवाब मिलेगा कि मैं कैसे चला पाया। समझ रहे? मेरी जिंदगी में मैं बहुत कुछ किया। इसके लिए मेरे को मालूम है कि ये चल सकते नहीं चल सकते, क्या हो रहा है, हिम्मत कहाँ से आएगी, कैसे होएगा। समझ रहे? तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आया इमरान भाई कि नानी को चलाना चाहिए? अगर ये नहीं, मैं अपनी जिंदगी में चाहे नानी हो चाहे कोई भी हो, मैं दवाई के ना एकदम सख्त खिलाफ रहता हूँ। दवाई लो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारा शरीर ही तुमको ठीक करता है। इंसान के शरीर से बढ़कर और कोई दवा नहीं है, और उसके अंदर जो फ्यूल है ना, जो ईंधन है, वो है उसका विल पावर। इंसान का विल पावर अगर, अरे नाना कैंसर जिनको हुआ ना कैंसर, सिर्फ ये सोचे ना उन लोगों को कैंसर नहीं है तो कैंसर चला गया। ऐसे लोग हैं दुनिया में, बराबर मर जाते थे आखिरी स्टेज में, लेकिन सिर्फ सोचे नहीं है तो। अभी तुम देखेंगे ना, एक साइंटिस्ट का नाम बोलता स्टीफन हॉकिंग करके, एक साइंटिस्ट है वो, मर गया वो, ठीक है नाना। उसको बोले ना, वो समझ लो 15 साल का था ना, उसको लखवा लग गया था, लखवा लग गया था, और उसको एक बीमारी हो गई थी। वो बीमारी ऐसी थी ना, डॉक्टर बोला ये 1-2 साल में मर जाएगा, ठीक है। वो आदमी सिर्फ है ना अपने क्या बोलते, उसको एक व्हील चेयर होती थी नाना, वो बोल भी नहीं सकता था ना कुछ कर सकता था, ठीक है। वो सिर्फ पलकों को इशारे से, अपनी आँख के इशारे से बताता था। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो आदमी है ना, 15 साल में ही उसका मतलब हो गया था, शुरुआत का जवान था जब। वो आदमी 70 साल तक जिया सिर्फ विल पावर से, उसके विल पावर से वो इतना लंबा जिया, बताओ। तो उसमें क्या है फिर? देखो नानी नॉर्मल है, ठीक है, चलना है सिर्फ, उसमें और कुछ नहीं है, बस हिम्मत एक सहारा चाहिए रहता है आदमी को। अभी वॉकर बोले तो क्या है नाना, मशीन है, एक इंसान हूँ मैं बोलता हूँ तो कैसा हिम्मत आती ना नानी को थोड़ा, बस लेकिन नाना नानी अगर नहीं चल सकते ना तो इसमें गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने हाथ ही नहीं दिया नानी को। हाथ देना चाहिए था, नानी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते थे। उठ नहीं सकते थे, हम चलेंगे क्या? कोशिश तो कराते थे। इमरान भाई क्या किए? ये एक 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 कैसा है मालूम नाना, ये थोड़ा सा है ना, एक है झोल है इसमें। आदमी जब बीमार होता तो औरत हिम्मत नहीं हारती, आदमी को बहुत सहारा देती हूँ, लास्ट तक करती, ये मैंने देखा। लेकिन इसका जब उलट होता है ना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, अपन जेंट्स लोग है, लेकिन है ना अपन लेडीज लोग को सहारा नहीं देते, ये चीज होती है, ये मैंने देखा। तो हो सकता है वो थोड़ा सा एक मेंटल स्टेट है, लेकिन इसके लिए ना लेडीज लोग को ना मैं एकदम वो करता, सल्यूट करता, लेडीज लोग लास्ट तक सहारा नहीं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये चीज नाना के साथ होती थी ना तो नानी मेरे ख्याल से चला देती थी नानी नाना को। नहीं होता, अल्लाह ना करे ऐसा तुम्हारे साथ होता ना तो ये पूरा उल्टा रहता, नानी हिम्मत करती। रब चप्पल पहन के चलिए नानी, पूरा घूमती आई राबिया भी जस्ट आई है ऊपर से। मैंने नाना को बोली कि नाना तुम्हारी गलती है, तुमने हाथ ही नहीं दिया नाना। और डर भी, डर बहुत था ये एक हुआ है, मैंने ये
सही सबसे ज्यादा नाना क्या बोल रहे हो, जो मांगने का है मांगो, ऐसा बोले क्योंकि नाना है ना, जो भी नानी की दवाई हो वो महीने से पहले ही रिफिल करके रखते हैं कि मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें जो उनसे बन पड़ा वो किए, लेकिन वो थोड़ा ट्रीटमेंट सब ये सब किए, लेकिन बस ये चीज के लिए एक पीछे एक सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा लग रहा है नानी के पैर में चप्पल देख के, बाहर पानी है कुछ भी है, टेंशन नहीं, अपन घूम सकते बराबर। नानी रो रहे बस, अभी रोने के दिन गए। माय लिटिल गर्ल, माय स्वीट हार्ट, डोंट क्राई। माय स्वीट हार्ट इज क्राइंग। नानी नहीं रो, नानी खुशी के आंसू है क्या? खुशी के आंसू है। जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ। वेरी गुड। होगा पूछो तो जरा। इंशाल्लाह वो दिन आएगा नाना जब तुम दोनों एक साथ इकट्ठे एक पार्क में जाएंगे, झूले में बैठ के झूला झूलूंगा। इमरान भाई तुम इंजीनियर है कि डॉक्टर है? मैं इंजीनियर ऐसा होता है जो कुछ भी कर सकता है। हाँ इंजीनियर ही उसी को बोलते हैं। इंजीनियर डॉक्टर कर सकता है लेकिन डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, जाने दो अभी क्या। इमरान भाई का एम है ना कि ये वॉकर हट जाए बस। हट गया। मेरे को जैसा देखती है ना तो नानी खुद ही बोलती है चलो। मैं बोलता हाँ चलो ना।